हेलो गाइस, वेलकम टू फुटबॉल अरीना। और आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है एक न्यू सीरीज के सीरीज पर, टैक्टिकल गेम। और आज हम लोग बात करेंगे ओवरलैपिंग फुलबैक्स के ऊपर। तो पहली बात तो ये समझना पड़ेगा फुलबैक्स क्या है। कुछ ज्यादा कोई बड़ा रॉकेट साइंस थी, सच बोलो तो कुछ भी नहीं। ये जो 4 नंबर है और 1 नंबर है, इनको हम लोग फुलबैक्स बोलते हैं, जो अटैक भी करे डिफेंड भी करे, अटैक भी करे डिफेंड भी करे। फुलबैक्स के को ना हाई अटैकिंग वर्क रेट और हाई डिफेंसिव वर्क रेट होना बहुत जरूरी है। मतलब एक बहुत ज्यादा थकाने वाला काम है, अटैक भी करो डिफेंड भी करो, अटैक भी करो डिफेंड भी करो। और क्या है ना, 4 टाइप ऑफ फुलबैक्स होते हैं। पहली बात तो ओवरलैपिंग फुलबैक्स, इन्वर्टेड फुलबैक्स, ऑक्सिलरी फुलबैक्स और डिफेंसिव फुलबैक्स। तो आज हम लोग टोटली बात करेंगे ओवरलैपिंग फुलबैक्स के ऊपर। कोई बड़ी चीज नहीं। पहली बात तो ओवरलैपिंग फुलबैक्स से पहले 2 टाइप के रन समझना जरूरी है। एक होता है ओवरलैपिंग रन्स और एक होता है अंडरलैपिंग रन्स। तो ओवरलैपिंग रन्स क्या है, ये 6 नंबर है, ठीक है, इसके पास अभी बॉल है। तो ये जब यहां से 18 नंबर जब यहां से एक्सटीरियर से रन लिया और यहां पे 6 नंबर ने इस पर बॉल डाला, तो ये जो एक्सटीरियर से जो रन ले रहा है ना, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग रन्स। और जब ये बॉल अंदर डाला सेंट्रल चैनल पे और 18 नंबर इंटीरियर रन लिया, इंटीरियर, इसको बोलते हैं अंडरलैपिंग रन्स। एक्सटीरियर मतलब ओवरलैपिंग रन्स और इंटीरियर मतलब अंडरलैपिंग रन्स, सिंपल एज दैट। तो अभी टैक्टिकल पे चलते, टैक्टिक्स पे चलते, ओवरलैपिंग के ऊपर, ठीक है। 18 नंबर ने ओवरलैप किया, राइट, बॉल 6 नंबर ने इसको फीड किया बॉल 18 को। 18 जब यहां से यहां आ रहा था तो इसके पास पूरा फील्ड ऑफ व्यू था, मतलब उसके पास क्या क्या अटैकिंग ऑप्शंस है बॉक्स के अंदर, उसको पता था पहले से, यहां से उसको पता था, राइट, कि 9 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर तीनों बॉक्स के अंदर चढ़े हुए, इवन 7 नंबर उस साइड है विड्थ पे, ठीक है। तो उसको पहले से पता था। तो ये एक एडवांटेज होता है जो ओवरलैपिंग रन लेते हैं, उनको पता होता है कहां पे फील्ड ऑफ व्यू बहुत देर तक रहता है, तो उनकी क्रॉसिंग में हेल्प करता है। तो जब यहां पे ये आया, इसके पास एक ऑप्शन तो ये सिंपल सा जो है क्रॉस कर सके, यहां पे क्रॉस डाला, फिफ्थ नंबर आके सोचो हेडर मार दिया, गोल, डायरेक्टली गोल चला गया, राइट, एक तो क्रॉस कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है ये चीज, 18 नंबर यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, ओवरलैपिंग रन लेके आया, यहाँ पे कटबैक कर सकता है, राइट। सोचो 7 नंबर यहाँ पे इस साइड है, 18 नंबर यहाँ तक आया, यहाँ पे बॉल लिया और यहाँ पे कटबैक कर सकता है, 9 नंबर शूट कर सकता है, डायरेक्टली शूट कर सकता है, स्कोर कर सकता है। याद है वो जॉर्डी एल्बा वाला, एल्बा इनसाइड एंड इट्स मेसी, जो गोल मारा था जॉर्डी एल्बा ने, क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग रन लिया था, मेसी को कटबैक किया तो मेसी ने गोल मार दिया। एक होता है या तो क्रॉस कर सकते हैं या तो कटबैक कर सकते हैं, दूसरा चीज ये होता है। एक और चीज क्या कर सकता है ओवरलैपिंग फुलबैक एक इन्वर्टेड विंगर की तरह भी खेल सकता है। जब आप ले लिया, ठीक है, तो क्या थोड़ा इन्वर्ट आके बॉल के साथ शूट भी ले सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, इन्वर्ट आ गया और बॉल को शूट भी कर सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लिवरपूल के फुलबैक्स जो करते हैं, ट्रेंट बहुत बार अंदर आता है, इन्वर्ट हो जाता है और शूट ले लेता है एक ओवरलैपिंग रन के बाद, बहुत बार ये करता है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड लिवरपूल में। चौथा जो चीज कर सकता है ओवरलैपिंग फुलबैक, वो क्या है, जब इसने रन लिया यहाँ पे, ठीक है, तो ऑपोजिशन की पूरी डिफेंस स्ट्रक्चर और मिड स्ट्रक्चर, जो पूरा डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, वो पूरा का पूरा राइट साइड में टिल्ट कर जाएगा, पूरा का पूरा ये लोग राइट साइड इस विंग पे ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इस विंग में चले जाएंगे। तो ये वाला जो फुलबैक रहेगा, ये वाला फुलबैक या विंगर कोई भी हो जो विड्थ को पकड़ के रखा है, तो 18 नंबर यहाँ पे क्या कर सकता है, पूरा का पूरा यहाँ पे विंग स्विच कर देगा, ठीक है। 7 नंबर के पास आ गई बॉल और फिर तो एक बहुत अच्छा गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी 7 नंबर यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, बहुत अच्छा, इवन डायरेक्ट गोल भी मार सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा विंग स्विच कर दिया, राइट। तो यहाँ पे इनको आने पूरे ऑपोजिशन डिफेंस स्ट्रक्चर को पूरा इस साइड आना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो 7 नंबर के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा यहाँ पे गोल मारने का। ये काम कौन करता है, अब लिवरपूल के फुलबैक्स देखे होंगे बहुत बार विंग स्विच करते हैं, विंग स्विच आर्नल्ड से रॉबर्टसन से आर्नल्ड, बहुत बार होता है ये चीज। इवन बार्सिलोना बहुत बार विंग स्विच करती है, पेड्री को, फुलबैक्स की बात छोड़ो, पेड्री को भी देखे होंगे ना बहुत बार विंग स्विच करते हुए, बहुत बार विंग स्विच एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। और ओवरलैपिंग फुलबैक्स का ना एक और चीज क्या है, वो लोग फील्ड के विड्थ को पकड़ के रखते एकदम।
अभी तो ये एडवांटेजेस जो भी मतलब टैक्टिकल चीज जो ये कर सकता है यहाँ पे, मतलब क्या क्या अपॉर्चुनिटी खोल सकता है अपने टीम के लिए, अभी मुश्किल कहाँ पे खड़ी खड़ी करेगा ठीक है फुल बैक, कहाँ पे डिसएडवांटेजेस हो सकता है ठीक है। एक तो यहाँ पे सोचो, यहाँ पे 6 नंबर के पास बॉल है, 2 नंबर 5 नंबर 2 नंबर, सोचो 2 नंबर के पास बहुत टाइम तक वो व्यू है 18 नंबर का, कि वो कैसे रन ले रहा है, किस टाइमिंग पे रन ले रहा है, उसके पास बहुत टाइम तक वो व्यू रहेगा। लेकिन 6 नंबर के पास वो व्यू नहीं रहेगा, क्योंकि वो पीछे से रन ले रहा है, उसको पता नहीं वो कितने स्पीड में रन ले रहा है, किससे कैसे रन ले रहा है। तो 18 नंबर जब यहाँ पर रन लेगा, कभी कभी 6 नंबर का बॉल यहाँ पे आते आते थोड़ी टाइमिंग की मिस्टेक हो सकती है, मतलब बॉल सही से नहीं फेंका, ढंग से थ्रू बॉल नहीं दिया, हो सकता है 6 नंबर से गलती हो सकती है, या कभी कभी जो यहाँ पे अपोजिशन अपोजिशन डिफेंडर है यहाँ पे बॉल को इंटरसेप्ट कर सकता है, कि उसके पास बहुत देर तक के टाइम रहेगा 18 नंबर का रन को पिक करना, या बॉल के पेस को पिक करना, कर सकता है वो इंटरसेप्ट कर सकता है। ये एक डिसएडवांटेज है ओवरलैपिंग फुल बैक्स। दूसरा क्या है, दूसरा ये कि सोचो यहाँ पे चढ़ा हुआ है फुल बैक, चढ़ा हुआ है 7 नंबर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बॉल बॉल यहाँ पे सोचो लूज कर दिया फुल बैक, एक बहुत ही खतरनाक काउंटर यहाँ पे गिर सकता है, बहुत ही खतरनाक। इसीलिए ओवरलैपिंग फुल बैक जो टीम खेलती है उनके फुल बैक्स को बहुत ही ज्यादा हाई डिफेंसिव वर्क रेट और साथ साथ हाई ऑफेंसिव वर्क रेट होना बहुत जरूरी है, तो बहुत खतरनाक यहाँ पे काउंटर कर सकता है बहुत ज्यादा। इसलिए बहुत बार आपने देखा होगा जॉर्डी अल्बा बार्सिलोना में, इसके लिए बहुत ज्यादा वो क्रिटिसाइज होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ रहता है फुल बैक, फिर उसके पास वो आता नहीं था, मतलब इतनी जल्दी ट्रैक बैक नहीं करता, उसके लिए काउंटर पे पड़ जाता है गोल, बहुत बार होता है, लेकिन आजकल नहीं हो रहा है क्योंकि बार्सिलोना की थोड़ी स्ट्रक्चर बदली है गेम में, उस पर बात नहीं करेंगे राइट। तो दैट्स ऑल फॉर मतलब जो भी ओवरलैपिंग फुल बैक्स, ये इतना ही था आज के लिए। गाइस इफ यू लाइक अवर कंटेंट देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर अवर कंटेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और हम लोग इस पे टैक्टिकल गेम जो नया चीज निकाले उस पर और भी एपिसोड्स लाते रहेंगे। आई होप यू लाइक द कंटेंट, और यही था आज के लिए ओवरलैपिंग फुल बैक्स के ऊपर। ओके ओके बाइस, थैंक यू।